भाई पीछे से तो आपने हवा महल देख लिया है, अब आगे से भी देख लो। तो ये ठीक भी नहीं रहेगा खांसी में। मैंने इसमें चिया सीड्स भी डाली है। चिया सीड्स डाले आप लोगों को जलमहल दिखाने के लिए लाए थे। जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो ये था कि यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही होगी, और जो होती है भाई की का भी है, मोची का भी है, उडलैंड का भी है, और बहुत अच्छा टेस्ट है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉग्स में। तो अभी आज हमारा डे है Day 4 इन जयपुर। आज भी थोड़े से प्लान है, हम लोग मार्केट वार्केट जाने वाले हैं। यहाँ की जो फेमस मार्केट है वहाँ पे जाएंगे, आप लोगों को मार्केट दिखाएंगे। फिलहाल कोल्ड थोड़ा सा ठीक हो गया है और आज हम और जल्दी उठ गए हैं। तो रोशनी नहीं है तो थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, तो बालों की हालत हो रही है थोड़ी सी बुरी, तो अब हम लगाने वाले हैं तेल। 10-15 मिनट तेल लगा के छोड़ देंगे और फिर शावर लेके आते हैं, हेयर वॉश करते हैं और रेडी हो जाते हैं। चलिए मेरे बाल और मेरे हाल कभी ठीक नहीं हो सकते। सो एनीवे लेट्स गो एंड गेट रेडी फॉर द मार्केट। यार अब तो मैंने ना सच में कसम खा ली है कि कभी कपड़े प्रेस नहीं करने हैं। जितनी बार मैं कपड़े प्रेस करने बैठती हूँ उतनी बार कुछ ना कुछ जल जाता है। शर्ट बच गई मेरी। तो अब यहाँ से सीधा कपड़े चेंज करने के लिए जाएंगे और कपड़े चेंज करके आएंगे। तो मेरी बात ऐसी, अपन हो गए रेडी ऑलमोस्ट, बस अब बाल बाल सेट करते जो भी सेट होते हैं और फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। चलिए तो मार्केट जाने से पहले हम अभी जा रहे हैं नीचे क्योंकि भाभी जी की सिस्टर आई है, उन्हें लंच लेना है और उनसे कुछ सामान लेना है। और फिलहाल यहाँ पे ना मेरी शक्ल सुधर रही है, ना मेरे बाल सुधर रहे हैं, ना मेरे हाल सुधर रहे हैं, बट जिंदगी तो अच्छी चल रही है। ठीक है कोई बात नहीं, बाल और हाल भले ही खराब हो जाए जिंदगी अच्छी चलने लगे। चलिए सामान लेकर आते फिर निकलते हैं। पापा मेरे बोल रहे हैं सवाल अच्छे लग रहे हैं। मम्मी क्या बोल रही है आपकी? मम्मी बोल रही है तू कोरियन लग रही है, मोटी कोरियन लगती है। और रात में भी थोड़ी देर पहले बोला था जिंदगी अच्छी चल रही है और फिर उसी के बाद मेरा चश्मे के हाल बिगड़ गए हैं, टेढ़ा हो गया बेचारा। तो फिलहाल अभी हम तीनों निकल रहे हैं मार्केट के लिए, कैब हमारी बाहर आ गई है, कैब में जाते हैं मार्केट जाते हैं। किस मार्केट में जा रहे हैं वो वहीं जाके बताओ। कटला मार्केट, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो हम सांगानेर पहले सही बोलता सांगानेर जा रहे थे, अब कोई और मार्केट जा रहे हैं तो उधर ही जाके देखते हैं क्या है कैसा है मौसम। तो फिर भी थोड़ा ठीक है, ठीक ही है, ठीक हो रहा है खराब हो रहा है, ठीक हो रहा है खराब हो रहा है, देखता है। कैब हमारी आ गई है, कैब में हम बैठ गए हैं, अब बाहर जा रहे हैं। और कैब में बैठते ही मौसम अच्छा हो गया यार, बादल देखो ना सही लग रहे हैं ना, जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है। कहाँ ऊपर आसमान में आसमान में कितना दूर है, इधर ही तो है। एक तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ लेकिन पॉलिटिकल मुद्दों का उठना उतना ही ज़रूरी है जितना कि घूमते टाइम जेब में पैसों का होना, जो यहाँ पे चालू हो चुका है। नहीं, वो तो ठीक है बेटा, तो अपना काम भी चलना चाहिए ना। अब हमें तो हमारा काम चलना ही चलेगा तभी तो। खेल दी मोदी ने, ये जो मुंबई में इकट्ठे हुए थे ना राजस्थान के, तो पॉलिटिकल बातें करते करते अब हम आपको दिखाते हैं ये मंदिर जो कि बना हुआ है पहाड़ के ऊपर। और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये महादेव जी का मंदिर है सबसे पहली बात तो, और ये साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है सावन में, जिसमें कोई भी जा सकता है दर्शन के लिए। बाकी दिनों में सिर्फ जो पंडित लोग होते हैं वो सुबह और शाम यहाँ पर दिया गढ़ने के लिए जाते हैं और फिर ये मंदिर दोबारा से बंद कर दिया जाता है। तो मार्केट जाने से पहले हम लोग जा रहे हैं मंदिर देखने के लिए फिर से, क्योंकि जहाँ लास्ट टाइम मंदिर देखा था ये उन्हीं का ही ब्रांच है। तो अंदर तो मंदिर देख मतलब मंदिर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो बस आप ये देख लो, बाकी हम आपको बताएंगे बाद में। यार मंदिर हम लोग देख के आ चुके हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं जिस काम के लिए आए थे सुबह मार्केट, त्रिपोलिया मार्केट, वहाँ पर जाके देखते हैं कुछ, अगर मतलब का मिलता है तो लेते हैं, मिल तो जाएगा वैसे मतलब का, और आपको भी मार्केट पूरा दिखाते हैं। तो हम लोग फाइनली मार्केट में तो एंटर हो चुके हैं, और मार्केट में एंटर होते ही ऐसा फील आ रहा है कि इस जगह को जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोला जाता है। मतलब पूरी मार्केट पिंक पत्थरों से बनी हुई है,
पिंक तो नहीं है बट पिंक स्टोन होता है तो वो ठीक है, जस्टिफाई करता है उसको। बाकी आप मार्केट पूरा देख सकते हो, इक्वल सब ने मतलब एक ही जगह पे एक ही जैसी दुकानें बनाई हुई है, तो कुछ अलग अलग नहीं दिख रहा है, जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था यार। सारी बर्तन वर्तन की मार्केट है, हमें जाना है कपड़ों की मार्केट में जो है सामने, तो सामने चलते हैं। ये अपना दिल्ली का चांदनी चौक है, तो यार दिल्ली के अंदर जो चांदनी चौक और सदर बाज़ार है ये उसका कॉम्बिनेशन है, ये जयपुर का चांदनी चौक और सदर बाज़ार है। चलिए तो आपने दिल्ली का चांदनी चौक बाज़ार तो काफ़ी घूमा होगा, अब हम आपको जयपुर का चांदनी चौक घुमाते हैं। तो यहाँ पे एक तो सब तरीके की दुकान है, आपको पर्स, जूती, चप्पल, कपड़े, खिलौने, बर्तन जो भी चाहिए आपको सब वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो प्राइजेज़ वगैरह इनके ठीक है, मतलब वही बार्गनिंग करना पड़ता है जैसे हर जगह पे चलता है। लेकिन चलते चलते हमें लगी है बहुत ज़ोर की भूख, तो पहले कुछ खा लेते हैं। चलिए हम लोग खड़े हैं रामचंद्र चाट भंडार, इधर से हम लोग ले रहे हैं टिक्की और बस टिक्की, मम्मी पापा टेस्ट करके बताएंगे। चलो कैसी है? बढ़िया। कैसी है आपका? अच्छा टेस्ट है। कितने की है? 40 रुपये की है और बहुत अच्छा टेस्ट है। चलिए भाई तो पेट पूजा हो गई है तो अब दूसरा काम भी कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे मम्मी को दिख गई हैं चूड़ियाँ, और क्योंकि मम्मी ने चूड़ियाँ लेनी थी तो मम्मी यहाँ पे चूड़ियाँ पसंद कर रही हैं, तो देखते हैं इनको कितनी चूड़ियाँ यहाँ पे पसंद आती है। तो मम्मी को उधर भैया के पास तो कोई चूड़ी पसंद आई नहीं, तो हमें सबसे पहली शॉप यहाँ पे चूड़ियों की दिखी थी। शॉप काफ़ी बड़ी नहीं थी बट इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी हम आपको थोड़ी बहुत दिखाते भी हैं। तो ये राजस्थानी चूड़ा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और बहुत सही है, मतलब इस पर लिखा हुआ भी है। क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो, पढ़ने तो दो। सदा सौभाग्यवती भवा। काफ़ी अच्छे हैं इनके चूड़े के प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर हुआ तो मैं एक इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, हमने जो जो चूड़ियाँ यहाँ से ली है और कितने कितने की ली। अगर आपको कुछ पसंद आती है तो उनका नंबर भी मैं नीचे डालने का ट्राई करूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये सारी वेराइटी हमको यहाँ पे दिखा रहे हैं। चूड़ियों की तो ख़त्म हो गई ना, मम्मी शक्ल दिखाना। मम्मी तो इस औरत ने पूरी 15-20 जोड़ी चूड़ियाँ ले ली है, दुकान के अंदर 3 घंटे लगाए हैं। इतनी चूड़ियाँ, इतनी चूड़ियाँ, अभी औरत 3 साल तक मुँह नहीं खोलेगी कि मुझे कुछ चाहिए। मेरा बन रहा है, मुँह बन रहा है मेरा। 12 जोड़ी चूड़ी दिलाने के बाद एक जोड़ी नहीं दिलाई तो मुँह बन गया भाई। चलो अब आगे चलते हैं, अपना सामान लेते हैं। डांडिया है ना, डांडिया रखे हैं। क्या रखे हैं? डांडिया। डांडिया का क्या करना है? तो इनको नाड़े भी दिल्ली में नहीं मिलेंगे, तो 8 मीटर है, ज़्यादा नहीं है। ये है हवा महल, आप लोगों ने अभी तक फ्रंट से देखा होगा, पता नहीं कुछ लोग बोलते हैं वो बैक है, कुछ लोग बोलते हैं वो फ्रंट है। अभी हम लोग इस साइड पे खड़े हैं, अंदर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, एंट्री के लिए बस आधा घंटा बचा है, तो देखे जा रहे हैं क्या। जाते हैं, जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। चलो, तो वैसे तो हम लोग जयपुर काफ़ी बार आ चुके हैं, हवा महल बाहर से भी काफ़ी बार ऐसे ही देख लेते हैं, तो हम भी पहली बार आज अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके देखते हैं। वैसे तो हमें लेट हो गया है बट स्टिल एक बार अंदर जाते हैं, टाइमिंग वगैरह देखते हैं, टिकट्स देखते हैं। चलो हम आ गए हैं हवा महल के अंदर और यहाँ पर अंदर से आवाज़ आ रही है, कुछ पागल लोग चिल्ला रहे थे और कुछ नहीं है। तो यार अभी जो यहाँ पे टिकट प्राइस है वो भारतीय टिकट है, कितना है? 52 रुपीज़। भारतीय स्टूडेंट टिकट्स जो है वो 22 रुपीज़, फॉरनर्स के लिए 202 और फॉरनर स्टूडेंट के लिए 102। तो अभी फिलहाल तो हम लोग थोड़ा सा हो चुके हैं लेट, क्योंकि एंट्री टाइम है यहाँ पे 6:30 बजे का और 6:30 बजने में सिर्फ 15 मिनट है और अंधेरा भी होने वाला है, तो हम अच्छे से दिखा नहीं पाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आके पूरा हवा महल कवर करेंगे। तो अभी चलते हैं वापस अपनी मार्केट की साइड पे और नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो अभी ये मार्केट की वो वाली साइड पे हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर मिलते हैं लहंगे, मतलब यहाँ पे राजस्थानी पोशाक नहीं है, बस जो हम लोग रेगुलर वेयर पंजाबी लहंगे जो होते हैं या फिर जो भी आप लोग देखते हो ब्राइड्स को पहने हुए वो वाले लहंगे हैं, थोड़ी सी हैवी क्वालिटी में भी है। और ये है पोशाक, राजस्थानी पोशाक जो होती है। तो यार यहाँ पे ना एक तो यही हमारी भाभी जी ने हमें पहले से ही सिखा के भेजा है,
कि जो भी आप यहाँ पे सामान पसंद करोगे एकदम उसका हाफ रेट बोल देना। अगर वो बोलेंगे 1000 आपको 500 बोलना है, वो बोलेंगे 500 तो आपको 250 रुपये बोलना है। और एक्चुअल में वही चीज़ भी हमारे साथ यहाँ पे हुई है। अभी जितना भी हम लोगों ने सामान परचेज़ किया है उसका हमने सब मतलब सब चीज़ों का हाफ हाफ बोला, और उन्होंने लिटरली मतलब बोलते ऐसे कि नहीं हो पाएगा नहीं होगा, बट जब आप जाने लगते हो तो वो एकदम आपको दे देते हैं। जैसे दिल्ली में है वैसे ही सेम यहाँ पर भी मुझे लगा, ठीक है बट अच्छी मार्केट थी, बार्गेनिंग आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करनी पड़ेगी, वैरायटी आपको दिख जाएगी। वो चीज़ नहीं है जो सदर बाज़ार में आपको या चांदनी चौक बाज़ार में आपको दिख जाएगी, लहंगों की क्वालिटी भी और वैरायटी डिज़ाइन वगैरह इतनी नहीं है, बट ठीक है वहाँ के हिसाब से ठीक थी, क्योंकि वहाँ पर तो मेन राजस्थानी पोशाक वगैरह पहनते हैं तो वहाँ के हिसाब से ठीक है। घूमते घूमते बस चुके हैं 7, अभी यहाँ पे लोग ये देख रहे हैं और बाहर मौसम हो गया बड़ा प्यारा, फिर से आंधी चल रही है, बारिश होने वाली है। जल्दी जल्दी जो लेना था वो तो मिला नहीं है, अब देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। ये स्टोन्स भी काफ़ी प्यारे हैं, मतलब हाथ में उठा के बड़े सही लग रहे हैं, और महंगे भी थे, 20 रुपीज़ का एक पीस, 40 रुपीज़ का एक, तो बट अच्छे लग रहे हैं। बादल देख रहा है, बादलों का यहाँ पे भी वीडियोस और पिक्चर्स अलाउड नहीं थी, तो इतनी सी वीडियो उन्होंने मेरे को बनाने दी। तो फिलहाल हम यहाँ पे राजपूती पोशाक लेने आए हैं अपनी दीदी के लिए, तो देखते हैं यहाँ से कुछ पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं और से देखेंगे। बट फिलहाल इन्होंने मेरे को जितनी वीडियो बनाने दिया वो मैंने आपके लिए बना लिया। ये है राजस्थानी पोशाक, आप लोगों ने अंदर से मैंने आपको थोड़ा सा तो हवा महल दिखाई दिया है, अब बाहर से देख लो ठीक है इसका पूरा व्यू, वही पीछे से तो आपने हवा महल देख लिया है, अब आगे से भी देख लो, जूम करके देख लो अंदर कोई बैठा होगा। चलो भाई ले लिया, आज हमारी माँ ने सारी शॉपिंग की है, हमें कुछ नहीं मिला है बिना डाट खाए, और अभी भी मुंह बन गया ना कुछ नहीं हो सकता। चलो भाई गाइस यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गोविंद देव जी के मंदिर, वहाँ पे अगर भीड़ हुई तो हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कल सुबह बहुत जल्दी घर के लिए भी निकलना है, और अगर नहीं हुई तो अंदर जाएंगे दर्शन करेंगे। तो भाई क्योंकि इधर हो रही है जन्माष्टमी की तैयारी तो वहाँ पे भी बहुत भीड़ है, अभी हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इधर से पूरा 300 मीटर दूर है, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, जाके बताते हैं। गेट देख लो गाइस, गेट गेट ख़त्म हो गया गाइस, पेट्रोल पम्प देख लो। चलिए तो मंदिर तो हम लोग जा नहीं पाए हैं, तो यहाँ से हम चलते हैं दूसरी जगह और आपको वहाँ पर जाके दिखाते हैं डायरेक्ट, तो चलिए चलते हैं। तो अंदर जाने से पहले थोड़ी सी जल सेवा कर लेते हैं क्योंकि प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी है, और लगी तो भूख भी थी, पर फिलहाल अभी यही चलेगा। आप लोगों को जलमहल दिखाने के लिए लाए थे, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो ये था कि यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही होगी और जो होती है, पर पता नहीं इतनी डिम लाइट की है कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो अभी जैसा दिख रहा है उससे काम चला लो बस, इधर आराम से ना। तो पानी में आपको रिफ्लेक्शन तो खैर दिख ही रहा है, तो ये है आपका जलमहल, कहाँ है मछलियाँ दिख रही है क्या? तो अब यहाँ पे क्योंकि जल महल में सिर्फ जल ही दिख रहा है, वो भी पूरा अधूरा सा दिख रहा है, तो अब बाकी का हम बाहर दिखा देते हैं। बाहर यहाँ पे शॉपिंग के लिए थोड़े थोड़े से स्टोर्स बनाए हैं, और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करते हैं तो उसके कॉस्ट्यूम्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। हम तो काफ़ी लेट हो गए थे तो ऑलरेडी आधी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हट चुकी है, तो बस अब यहाँ से चलते हैं। बाकी पहले काफ़ी सही लगता था जल महल, अभी पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कर दिया है, बट एनी वे बारात जा रही है, मेरे भाई की बारात मेरे भाई की बारात है, और मेरे भाई की बारात में हाथी चलाने वाले अंकल जी सो गए हैं हाथी पे भाई तो बैठा लेकिन चलाने वाले अंकल तो सो गए रुको ये रहा हाथी, ठीक है हाथी पे बैठा मेरा भाई, ये रहा पीछे घोड़ा, इस पे बैठा नहीं इस पे बैठा है कुशल, ठीक है, और हो रहा पीछे एक और उस पर बैठा सोनी, क्योंकि सोनी भाई को गुस्सा काफ़ी आता है तो उसको काफ़ी पीछे रखा है, और उसके साथ में दो तलवारों वाले भैया भी रखे कि जैसे उसको गुस्सा आए तो वो शांत करवा दे, ठीक है।
दिख कुछ नहीं रहा है इसमें, मुझे पता है, पर ठीक है थोड़ा सा चला लो। जल महल में तो हमें कुछ ऐसा खास दिखा नहीं, लेकिन सामने फलूदा वाले भैया दिख रहे हैं तो हम फलूदा खा लेते हैं और यहाँ से घर चलते हैं। तो भाई हमारा बन रहा फालूदा यहाँ पे, महालक्ष्मी कुल्फी आइसक्रीम। जयपुर में अगर आपको ज़्यादा याद आती है दिल्ली की, तो आप यहाँ पे दिल्ली के पानी पताशे भी खा सकते हैं, जबकि हम यहाँ जयपुर के खाने आते हैं। ये यहाँ फलूदा खाया जा रहा है। अनु दीदी फलूदा खा रही हैं, कह रही हैं बढ़िया है, हमें दे दिया है मोबाइल कि आप वीडियो बनाइए और हम खा लेते हैं। देखिए आजकल के बच्चों का हाल देखिए। चिया सीड्स डाले इसमें, उसने चिया सीड्स भी डाले हैं भाई ने, मतलब पूरा आजकल जो बच्चों को पसंद है अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग पूरा उसने करके दिया है, भले ही चाहे इसमें सब कुछ गंद भला हो। भाई इसमें तेज नहीं बोलना चाहती, भाई को बुरा लग जाएगा, इसमें है ना सब कुछ गंदा गंदा डाल दिया, एक दो चीज़ें अच्छी डाल दी, बच्चे खुश, ऐसे पागल बच्चे जैसे ये दिख रहे हैं ना वीडियो में ऐसे। ये वाला देना सेम। तो हमारी मम्मी को आ गया ये पसंद, तो उन्होंने अपने लिए भी एक बनवा लिया है, अब एक और बना के देंगे अपने फलूदे के साथ, और मम्मी अपने फलूदे के साथ, पापा अपनी पेमेंट के साथ बैठ चुके हैं, कैब आ गई है, अब घर पहुंचते हैं और घर जाके कंटिन्यू करते हैं। अच्छा है ना, तभी तो लिया वरना क्यों लेते। ये वाला जो पहाड़ है ना, इसके ऊपर काफी सारे मंदिर है, और इसको इस पहाड़ को बोला जाता है देवभूमि, जो हमें हमारे कैब वाले भैया ने बताया है। और देवभूमि इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पहाड़ पे जितने मंदिर है उतने आपको किसी पहाड़ पे नहीं मिलेंगे एक साथ एक साथ। चलिए अब बहुत हो गया, अब शांति से चलते हैं घर की ओर, घर जाके वीडियो बनाते हैं। बोलो दोबारा शुरू से बोलो। कैमरा चालू होते ही सबकी कॉमेडी चली जाती है। तो भाई हम आ गए घर पे, थके हारे, ये मेरे पापा बोल रहे थे हमारा खाना पानी पैक करके बाहर रख दिया गया है, तो बोल रहे लेट तो आए हो बाहर ही रहो। पोज तो हम लोग आ गए घर पर, हमारे भैया की बातों को हमने कर दिया 2 मिनट के लिए पोज, और हमारी भाभी जी को हमने बोला हमें दाल बाटी अच्छी लगती है, तो आज उन्होंने फिर से दाल बाटी बना दी। फिर से क्या आज भी नहीं, दाल टिक्कड़ बनने वाला था यहाँ पे, फिर दाल बाटी बन गया, बट कोई बात नहीं, चलो खा लेते उसके बाद आते हैं। दाल बाटी तीसरी बार खा, 4 दिन में तीसरी बार दाल बाटी खाने के बाद हमारा हो रहा था कुछ मीठा खाने का मन, तो हमने अपनी प्यारी भाभी जी से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट की है कि कुछ मीठा बना दो, तो बना रहे हैं आटे का हलवा, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने बनाया था बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया था, तो आज देखते हैं, आज इनको खुद पे भरोसा नहीं कि कैसा बनेगा, देखते हैं कैसा बनता है। चलिए आपको हलवा बनाना सिखाते हैं आटे का। कढ़ाई में क्या डाला था, देसी घी, देसी घी, अब उसमें डाल रहे हैं आटा, और ऐसे 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 हिलाते रहो, आटे की सिकाई करेंगे, आटे की सिकाई करेंगे, नहीं सिका तो पिटाई करेंगे। चलते हैं थोड़ी देर बाद और आटा, चलो जब तक ये सारा आटा खत्म होता है तब तक हम आपकी वीडियो पोस्ट कर लेते हैं। और ये यहाँ पे घी पे घी, घी पे घी, घी पे घी, घी पे घी डाले जा रहे हैं, देखते हैं हम इनकी तरह मोटे हो के जा रहे हैं। मैं मोटी नहीं हूँ। ये मोटी नहीं, मैं पतली हूँ, बहुत पतली है, देखो शक्ल ना है, पूरा फेस ही उधर कर लिया यार। अच्छा ठीक है, गंदी नहीं देते, इनको एक दिन सजाएंगे, फिर इनकी फोटो इनकी ब्लॉग बनाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, एक तो फोटो शूट भी नहीं हुआ है। हमारी भाभी को ना भी बहुत सारी बातें आ रही है करने के लिए, बहुत सारी चीज आ रही है, लाइट कम है आज यहाँ पे, लेकिन ये शक्ल नहीं दिखाना चाहती इसलिए वो कैमरा में बोल नहीं रही है। बोली थी यार मैं, वो कैमरा के सामने एक अपनी शक्ल देख रहा है, और 10 दिन से बीमार क्या कर सकते हैं। सूरत लोगों की यही दिक्कत है, उन्हें हमेशा लगता है कि वो अच्छे नहीं लगते हैं, पर वो लगते बहुत अच्छे हैं। गिलाल देखो, इस हलवे का ऐसा कलर होना चाहिए, तभी अच्छे से सिकाई होगी, तभी अच्छे से टेस्ट आएगा इसका। अब हम इसके अंदर डालते हैं
धीरे धीरे पानी हलवा डबल हो गया, ये तो बोल सकते हैं ना। धीरे धीरे पानी इसलिए डालते हैं, अगर हम एकदम से पानी डालेंगे तो इसमें ऐसे गुठले हो जाएंगे, इसलिए हम धीरे धीरे इसको पानी डालते जाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे। ओके गाइस, ओके, अब इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार शक्कर, हक्कर, चीनी, चीनी, हक्कर, मारवाड़ी में आपको भी नहीं आती ना मारवाड़ी, राजस्थान के लोग मारवाड़ी में आती। बस इसके अंदर चीनी हमने डाल दी गई है स्वाद अनुसार, अब इसके पिघलने का हम करेंगे इंतजार, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए हम भी कुछ काम करवा रहे हैं, देख लो, चलो 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 चलो, भी डल रहे हैं। तो हमारी भाभी जी कह रहे हैं कि बंगला साइड से अच्छा हमारे पास आ जाए करो, ज़्यादा क्वांटिटी देंगे, साथ में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या, है ना मम्मी। चलिए ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निशिंग हो चुकी है, भाभी जी ने बनाया हलवा, उनकी पहली रसोई की पैसे दे रहे ले लो ले लो, मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। उनसे भी लेने हैं आपने, इसे तो लेने हैं। इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद, शुक्रिया, राधे राधे।